हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना। वेलकम टू यमी ट्रीट्स विद मीना। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट स्पॉन्ज केक, और वो भी बेस्ट बेकर स्टाइल में। जी हाँ, हम हमेशा घर में ट्राई करते हैं पर उस तरह का केक कभी नहीं बनता है। आज मैं आपको प्रोफेशनल रेसिपी देने वाली हूँ केक की, जो आप घर में बना सकते हैं, और वो भी हम आटे से बनाएंगे। हम इसमें मैदा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, और आपका केक भी एकदम ऐसा और एकदम बिना क्रैक वाला ही बनेगा। तो देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मोल्ड लिया है और इसको मैंने पहले ही ग्रीस करके रख दिया है। इसको हम बटर के साथ अच्छी तरह से सारी तरफ लगाकर इसको ग्रीस कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल पर इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए हुए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। हम बहुत ही हेल्दी रेसिपीज़ लेके आते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं दो तरह के हम इसके लिए बैटर्स बनाएंगे। ये देखिए, पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट के लिए को सीव करेंगे। इसके लिए मैंने एक कप जो है वो आटा लिया है। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं या हाफ आ प्रोपोर्शन भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 1/4 कप जो है वो कोको पाउडर लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा कॉफ़ी भी डाल सकते हैं। तो देखिए, इसको हमें अच्छी तरह से सीव कर लेना है, अच्छी तरह से छान लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्ब्स नहीं रह जाए। अब देखिए, इसके साथ साथ यहाँ पर मैं 2 चम्मच जो है वो पाउडर्ड शुगर डाल रही हूँ। जी हाँ, ये पाउडर्ड शुगर है। अब देखिए, इसके साथ साथ यहाँ पर हम 1 चम्मच जो है बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/2 स्पून जो है बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा हमेशा बेकिंग पाउडर का 1/2 प्रोपोर्शन ही होता है। तो देखिए, इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे, और जो ये थोड़ा सा बच जाएगा चूरा से, इसको हम निकाल देंगे। अब देखिए, वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए हम एक बाउल लेंगे, और उसके अंदर यहाँ पर कंडेंस मिल्क मैंने लिया है। 200 ग्राम कंडेंस मिल्क है, रूम टेम्परेचर पे है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसकी रेसिपी दे दूँगी। ये बहुत ही आसान है घर में बनाना, बिल्कुल भी झंझट का काम नहीं है जैसा कि हम लोगों को लगता है। अब देखिए, इसके साथ साथ इसके अंदर हम बटर डालेंगे। जी हाँ, सॉल्टेड बटर डालेगा इसके अंदर। प्रोफेशनली जो है वो सॉल्टेड बटर ही डाला जाता है, या फिर तेल डाला जाता है। आप चाहें तो इसमें हम 50 ग्राम्स सॉल्टेड बटर डाल रहे हैं। अगर आप अनसॉल्टेड डाल रहे हैं तो इसके साथ में आप 1/2 चम्मच जो है नमक डालें, या फिर अगर आप तेल डाल रहे हैं तो 1/2 चम्मच नमक ज़रूर डालें। तो देखिए, इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और यहाँ पर हमने ड्रिंकिंग सोडा लिया है। इसको हम 1/2 कप लेंगे। अच्छी तरह से मेजर करके सब इंग्रेडिएंट्स को डालें, और देखिए, इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसके अंदर को इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसके अंदर हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थोड़े थोड़े डालकर हल्के हाथ से घुमाकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अगर आप केक इस तरह से बनाएंगे तो आपका केक कभी भी क्रैक नहीं करेगा, कभी भी अंदर से कच्चा नहीं रहेगा, और बहुत ही अच्छा केक हमारा बनेगा। ये देखिए, इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा डालकर और इसको मिक्स करते जाएंगे। हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, हम सिर्फ ना हम इसके अंदर दूध डालेंगे, और हम इसको इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप थोड़े से हल्के हाथ से मिक्स करें। तो ये देखिए, इस तरह से एक गाढ़ा सा बैटर बन जाएगा। हमें बिल्कुल ही रनिंग सा बैटर नहीं चाहिए, इस तरह का थिक ही चाहिए, क्योंकि हमने इसके अंदर बटर डाला है। तो देखिए, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से हो गया है। अब हम हमारा मोल्ड लेंगे और इसके अंदर हमारे बैटर को आसानी से डाल देंगे। तो देखिए, ये काफ़ी अच्छा केक बनता है। कंडेंस मिल्क को आप ज़रूर डालें, बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं करें, क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, और हमारा केक बहुत ही लाइट केक बनता है। ज़्यादातर मैंने जितनी भी रेसिपीज़ केक की, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई हैं, बट ये रेसिपी सबसे बेस्ट है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही डिलिशियस केक बनता है। देखिए, हमने इसके अंदर कोई वनीला एसेंस नहीं डाला है, कोई एसेंस डालने की कोई ज़रूरत नहीं बनती है, फिर भी हमारा केक बहुत ही टेस्टी बनता है। देखिए, मैंने कढ़ाई को पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। लगभग 15 मिनट के लिए मैंने इसको प्री हीट किया है। आप इसको बड़े बर्नर पे रखें और स्लो आंच पे रखें। तो देखिए, मेरे पास स्टैंड नहीं था, तो मैं इस तरह से छोटी इडली का स्टैंड ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसको हम सेंटर में इस तरह से रख देंगे, और अच्छी तरह से आपका ढक्कन लग जाना चाहिए। इसको हम 60 मिनट्स तक स्लो फ्लेम पे बनाएंगे। अब देखिए, हमारा केक काफ़ी अच्छे से राइज हो रहा है। स्टार्ट सेंटर में से जो है केक सबसे लास्ट में राइज होता है, तो आप उसको जब बन जाए तभी खोलें, पहले बीच में बिल्कुल भी नहीं खोलें। देखिए, हमारा केक कितना अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा केक बना है हमारा। गैस को हम बंद कर देंगे, और ऊपर से सिर्फ आप हाथ लगा के देखें, चाकू या कुछ भी डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
तो देखिए आप केक को हम ठंडा होने देंगे। इसको ठंडा करने के लिए हम इस तरह से एक बड़ा सा बाउल लेंगे, बड़ा सा डोंगा लेना है और उसके साथ इसको ढक देना है। आपको कुछ भी नहीं उसके ऊपर रखना है, उसको ढकना ही है सिर्फ। अब देखिए हमारा केक अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसको अच्छी तरह से साइड से डीमोल्ड कर लूँगी। ये देखिए लग रहा है कि ये मैदे का केक नहीं है, देखिए बहुत ही अच्छा केक बनता है ये। इसको अब हम इस तरह से निकाल देंगे, क्योंकि हमने नीचे बटर पेपर लगाया था तो बहुत आसानी से निकल जाता है। आप इसको बहुत हल्के हाथ से हैंडल करें और इसको गरम गरम को नहीं निकालें, बिकॉज ये बहुत ही सॉफ्ट होता है तो ज़्यादा टूटने का डर रहता है। तो आप इसको अच्छी तरह से ठंडा होने दें। तो देखिए हमारा केक बहुत ही अच्छा बना है, तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और इन्जॉय कीजिए।